हरियाणा रोडवेज 2016 में पार्ट वन व पार्ट टू के लगे कर्मचारियों को 3 साल बाद बर्खास्त करने के बाद हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने भी मोर्चा खोल दिया है। इसके तहत सोनीपत में रोडवेज कर्मचारी यूनियन के क्षेत्रीय प्रधान की अगुवाई में 100 से ज़्यादा कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चलिए देखते हैं क्षेत्रीय प्रधान रणवीर ने क्या कहा। साथी भर्ती करे गए थे, बढ़िया कार्य कर रहे थे, बढ़िया इनके इंटरव्यू वगैरह होकर के बढ़िया इनकी भर्ती हुई थी। सरकार ने या तो पहले ही एक साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट था तो उसी टाइम इनको हटा देना चाहिए था। अब तीन साल में सरकार इनको हटाती है तो इनके बच्चे, इनका परिवार सेट हो रहा है। अब इनके पेट पर लात लगेगी तो ये कहाँ जाएंगे? हम रोडवेज की तरफ से इन साथियों के बारे में अगर कहीं पसीने की जरूरत है तो वहाँ खून भी देना पड़ेगा, जब भी हम पीछे नहीं हटेंगे इन साथियों को निकल देंगे। 350 ड्राइवर जो हटाए गए हैं उनके विरुद्ध में आज हरियाणा में हमारा तालमेल कमेटी का बहुत ज़बरदस्त सभी डिपोन प्रदर्शन है आज। और यदि सरकार ने इसमें भी कोई समझदारी का काम नहीं किया तो 22 जून को पूरे क्षेत्र के अंदर जो भी स्टेट कमेटी वहाँ फैसला लेगी सोनीपत डिपोट पर फूलमाला चढ़ाएगा। और जब तक हमारे हटाए गए कर्मचारी वापस नहीं होंगे जब तक हमारी लड़ाई वापस नहीं होगी। और तालमेल उसके बीच में भी यदि कोई फैसला देगी तो सोनीपत डिपोट पर फूलमालाएँ चढ़ाएगा और अपने साथियों को डिपो से बाहर नहीं होने देगा। अर्थ प्रकाश के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।